हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों अब तैयारी कर रहा हूं मैं एयरपोर्ट जाने की। आप देख सकते हैं यहां पे लगेज भैया लोगों ने ऊपर रख दिया है। मुझे डर है कि कहीं गिरना चाहे, भैया लोग कह रहे हैं कि नहीं गिरेगा। हेलो कर लेना सर यूट्यूब पे, इस पर आएगा इंडियन इन चाइना ब्लॉग। अब देखो हम कैसे अभी भैया लोगों को भी अपना सब्सक्राइबर बनाते हैं। अरे ये देखिए भैया लोग यहाँ पे हमारे साथ, भैया लोगों ने बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे होटल में रखा। थैंक यू सो मच भैया। और योगिता, ओके गो इनसाइड, ओके से हेलो, से हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अमन इज स्टिल स्लीपिंग, नाइट नाइट या रात के 1 बजे का टाइम है, पूरे 1 बजे का कि नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं? नहीं अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, थैंक यू सो मच। ये भैया लोगों का होटल है, ठीक है। मैंने उसको पहले वाली वीडियो में शेयर भी किया है पूरा आपका जो है, ठीक है, वो देख लेंगे भैया लोग। तो यहाँ पे आके मिल लेंगे आपसे, ठीक है भैया? ओके थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू जी। ये देखिए दोस्तों दिल्ली की सड़कों पे थारा भाई, रात के 1 बजे भाई एकदम सुनसान पड़ा भाई, सारा एकदम सुनसान। ये सारे होटल है भाई, महिपालपुर के आसपास के होटल है, एक से एक बढ़िया होटल। चलो भाई एयरपोर्ट पहुंच गए, फिर से वीडियो कंटिन्यू करूंगा आपके साथ। बताओ सिंध लीची छाला भाई, पहुंच गया हूँ मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। मेरी तरफ से सबको राम राम बोलना दोस्तों। दोस्तों मैं आपका भाई, अपना भाई योगा टीचर अभी भारद्वाज। दोस्तों आपका भाई पहुंच चुका है थाईलैंड में, वापस जा रहा हूँ चाइना। एंड आप कहोगे कि अमन और योगिता भाभी गई कहाँ पे है, तो पूरी स्टोरी बताता हूँ भाई रास्ते में हुआ क्या है। उन दोनों को जो है मुझे छोड़ के दिल्ली एयरपोर्ट से ही जाना पड़ा और मैं अकेले जो है बाया थाईलैंड होके आ रहा हूँ। मतलब बहुत बड़ा रीज़न हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो गया उसमें, तो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल तो मैं पहुँच चुका हूँ थाईलैंड में और बिल्कुल अकेले हूँ भाई, आप देख सकते हैं भाई। ये देखियो यहाँ पे थाईलैंड में थाई लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे। यहाँ एयरपोर्ट पे जो भी अनाउंसमेंट होती है ना वो इंग्लिश, चाइनीज एंड थाई लैंग्वेज में होती है, ठीक है। ये देखियो भाई साहब, तीन लैंग्वेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी हर हर बोर्ड पर। ट्रैवलिंग करना तो यहाँ पर ईजी है भाई साहब, बाकी मुझे अपना जो है लगेज लेना है। लगेज मेरा यहाँ पे आएगा दोस्तों, आप देखो भाई साहब ये फ़्लाइट नंबर है और यहाँ पे लगेज आएगा। ये मैंने कैरी किया था फ़्लाइट के अंदर, ये वो है, ये मेरा नया पासपोर्ट है। ये लो भाई साहब, कर लिया थाईलैंड में एग्जिट कर लिया भाई आपके भाई ने। आगे की कहानी आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। देखो भाई यहाँ 5-6 लगेज थे मेरे पास, 2 ही बचे भाई। तभी मैं सोचूं यहाँ पे थाईलैंड में इंग्लिश के साथ साथ जो है चाइनीज़ भाषा क्यों लिखी रहती है हर जगह। ये देखो भाई ये सारे चाइना के ही तो हैं, ये सारे यहाँ पे देखियो कितने चारों तरफ सबसे ज़्यादा चाइना के लोग हैं, फिर अपना इंडिया के एंड उसके बाद दूसरे देशों के। एकदम भीड़ हो रही भाई साहब, चारों तरफ भीड़ हो रही। थाईलैंड एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है दोस्तों, यहाँ पर टैक्सी लाइन में लगी रहती है। यहाँ पे आपको लोकल बंदे से पता कर लेना पहले भाई यहाँ पे जाना तो कितने चार्जेस होते हैं, फिर टैक्सी वालों से बात करो, है ना। ऐसे नहीं कि पहले टैक्सी में बैठ गए, या फिर आपके पास अगर थाईलैंड की ऐप है तो फिर ठीक है। ये देखो भाई थाईलैंड एयरपोर्ट पे कितना ज़्यादा टूरिस्ट है भाई, देखो दुनिया जान का टूरिस्ट हो रहा भाई यहाँ पे थाईलैंड में, ठीक है। मैं तो बाहर भी नहीं गया, अंदर ही हुए एयरपोर्ट के अंदर अंदर। और अब जो है मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है यहाँ से चाइना की, बाकी की स्टोरी बताऊंगा आपको, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। कहीं भी चले जाओ भाई साहब भरे पड़े, बिल्कुल लोग यहाँ भरे पड़े, गर्मी बढ़िया हो रही है एकदम। कभी एंट्री करते ही भाई साहब ये देखो यहाँ पे इमिग्रेशन हो गया है, दारू की बोतलें देख लो। जो पीने वाले सब्सक्राइबर हैं कमेंट में हाजिरी लगवा दो भाई, वैसे तो लेके आ नहीं सकता लेकिन ऐसे ही पी लो बस। तरह तरह की दारू की शोरूम, रॉयल एक्स भी उधर लगा है। थाईलैंड से भी चेंज कर लिए फ़्लाइट मैंने, ठीक है। अब जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ, गेट नंबर 77D है शायद,
मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ ना अमन के लिए लेके जाऊँ खरीद के, अमन के टॉयज या कुछ खाने का सामान लेके जाऊँगा यहाँ से, और योगिता का फेवरेट भी यहाँ पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो लेके जाऊँगा। थाईलैंड में यहाँ खाने पीने का सामान बहुत अच्छा मिलता है। रात के 2 बजे का टाइम है यार, लोगों ने कती मौज मचा रखी है यहाँ। देखियो शॉपिंग 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 चल रही सबकी। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहुंच गया मैं ग्वांगझोउ। कौन कौन है भाई ग्वांगझोउ में? दोस्तों भाई आपका पहुंच गया चाइना में, और ये सामने खड़ी है चाइना सर्दन की फ्लाइट है। ये देखो भाई साहब, एयरपोर्ट पे हूँ ग्वांगझोउ एयरपोर्ट पे। अगर कोई ग्वांगझोउ में है भाई तो कर दो मैसेज, मिल लेंगे, यहीं रुकूंगा एक आधा दिन। और 2 दिन ट्रैवलिंग में रहा भाई पूरा, तो हालत कुछ इस तरह की होगी, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल बढ़ गई एकदम से। ग्वांगझोउ से मेरी फ़्लाइट है चांगचुन की, देन रूम पे पहुँच के शेविंग वेविंग करके फिर से बाल वाल कटवा के देन रेडी हो जाऊंगा फिर अपनी जॉब के लिए। फिर से 1 साल के लिए पूरा फौजी की तरह तैयार, फिर इंडिया में मिलेंगे 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद। ये देखो भाई मैं भी पहुंच गया चांगचुन सिटी। ये देखिए अमन जी यहाँ पे अभी घर पे आते ही जो है काम पे लग गए, बहुत बिजी है ये इंसान। ये देखो, ये देखो अमन है, क्या कर रहा है? हेलो दोस्तों, सो आपका भाई पहुंच चुका है चाइना में। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और हमारे चैनल को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कुछ नया क्या ऐड करना चाहिए उसके लिए अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो अपना छोटा बड़ा भाई मान के हमें जो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। उसके साथ जो है हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे जो है हमें आप मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने कीमती समय निकाल कर हमारी वीडियो को देखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए खटाखट खटाखट खटाखट, और इस वीडियो को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, टकाटक टकाटक टकाटक, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।